हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के बारे में। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के बारे में पिछले बारे में हम लोगों ने देख लिया था, आज इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। डॉक्टर आपका एनालाइज करने के बाद जो भी इन्फेक्शन है उसके बाद आपको ड्रेसिंग करने के लिए रिकमेंड करते हैं। जनरली डायबिटिक फुट इन्फेक्शन के कंडीशन के आधार पर अगर उस अल्सर में यानी कि घाव में अगर किसी प्रकार का अगर पस भरा हुआ है चाहे पानी है तो उसको निकाला जाता है। कोई डेड टिश्यू है, कोई चमड़ा है जो मरा हुआ चमड़ा है और लगा हुआ है वो घाव से, तो उसको भी हटाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंडीशन क्या है डायबिटिक फुट इन्फेक्शन का, उसके आधार पे आपको जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं डेली या अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग करने के लिए। अगर आप घर पे ड्रेसिंग करते हैं तो बेटाडीन ऑइंटमेंट या लोशन यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बेटाडीन लोशन चाहे क्रीम जो भी आप यूज कर रहे हैं वो तभी तक यूज करें जब तक आपके घाव से पस या कोई लिक्विड जैसा पदार्थ अगर निकल रहा है। अगर वो सूखने लगे तो फिर आप बेटाडीन के जगह पे सलाइन वाटर का यूज कर सकते हैं, इवन रनिंग वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी स्टराइल कॉटन आप यूज कर रहे हैं उसको डायरेक्टली अपने घाव पे नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉटन में माइक्रो थ्रेड्स होते हैं जो कि आपके घाव से चिपक सकते हैं, और वो जो माइक्रो थ्रेड होता है वो जल्दी घाव से निकलेगा नहीं, और वो वहाँ पर अगर मौजूद रहेगा तो और भी इन्फेक्शन वो वहाँ पर जनरेट कर सकता है। कॉटन को डायरेक्टली ऊन पे यूज़ नहीं करेंगे, उसको गेज बना लेंगे या उसको पट्टी में लपेट करके यूज करेंगे। चाहे रेडीमेड गेज भी मार्केट में उपलब्ध है उसको भी यूज कर सकते हैं। डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं जो घाव वाला पैर है, जो इफेक्टेड पैर है, उसमें कम से कम वजन उसमें दिया जाए और जहाँ तक ज़रूरत हो उसको आराम दिया जाए, और अगर जरूरत पड़ता है अगर चलने फिरने के लिए तो व्हील चेयर चाहे बैसाखी का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का मेडिसिन इस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो पहला है सेफ्ट्रियाक्सोन। सेफ्ट्रियाक्सोन 1 ग्राम का आईवी चाहे आईएम इंजेक्शन जो है ये रिकमेंड किया जाता है। जनरली सेफ्ट्रियाक्सोन कई ब्रांड नेम के साथ उपलब्ध है, जैसे कि मोनोसेफ जोन के साथ भी उपलब्ध होता है। इसमें एक कम्बिनेशन भी आता है, सेफ्ट्रियाक्सोन प्लस टैजोबैक्टम चाहे सेलबैक्टम के साथ आता है। अगर ये कम्बिनेशन अगर उपलब्ध है तो मच बेटर है, क्योंकि इसमें जो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें ट्रीट किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं जोन XP है एक ब्रांड जो कि कम्बिनेशन है सेफ्ट्रियाक्सोन और टैजोबैक्टम का, एलोन देते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन, तो उससे बेटर है। एक दूसरा ब्रांड है जो कि जिसका नाम है मोनोसेफ SB जो कि कम्बिनेशन है सेफ्ट्रियाक्सोन और सेलबैक्टम का। सेफ्ट्रियाक्सोन को आइदर एलोन या कॉम्बिनेशन डेली दिन में एक बार और दिन में दो बार 5 से लेकर 10 दिन तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन। ये बीटाडीन ब्रांड नेम के साथ मार्केट में उपलब्ध होता है। ये आपको तभी जरूरत पड़ेगा अगर ड्रेसिंग अगर आपको घर पे या खुद से करने का जरूरत पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में आप करवाते हैं तो वहाँ पे तो वो पोविडोन आयोडीन से है चाहे बीटाडीन से, उसको आपको ड्रेसिंग खुद बहुत कर देंगे। उसके बाद है लेनेजोलिड 600 mg। इसका भी रिकमेंडेशन डॉक्टर जनरली करते हैं, ये दिन में 2 बार 7 दिन तक लिए चलाया जा सकता है। लेनेजोलिड एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है जो कि रेयर टू रेयर केस में खास करके जो स्किन इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है उसमें रिकमेंड किया जाता है, और ऐसे भी कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है जहाँ के दूसरे एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस हो गया, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस हो गया उस पर, तो उस कंडीशन में भी लेनेजोलिड को रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। अगर जो इन्फेक्टेड एरिया है चाहे जो फूट है अगर उसमें किसी प्रकार का सूजन है, इन्फ्लेमेशन है और पेन है, तो उसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल। ये भी एक स्पेशल टाइप का एंटीबायोटिक है जो कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाना चाहिए क्योंकि घाव जल्दी से जल्दी भर सके। सप्लीमेंट में विशेषकर ऐसे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाने चाहिए जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक का मात्रा रहे उसमें। तो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है जो कि आप उसको एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन चाहे ऐसे भी ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है। आपके इन्फेक्शन कंडीशन ठीक बेटर होता है तो फिर जो इंजेक्शन था जो सेफ्ट्रियाक्सोन और टैजोबैक्टम और सेलबैक्टम कम्बिनेशन के साथ चाहे एलोन दे रहे थे उसको हटा दिया जाता है और उसके जगह पे सेफलोस्पोरिन ओरल दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि सिफिक्सिन और सेफलैक्सिन, ये सब दिया जाता है। वही दिन में 2 बार 5 से 7 दिन तक के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन या एमोक्सिसिलिन क्लैवुलैनिक एसिड भी रिकमेंड किया जा सकता है।
लेनेजोलिड ज़रूरत है तो इसको और भी कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का एंटीबायोटिक है जो कि जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया है कि ये अगर रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है कोई और एंटीबायोटिक का तो ये इसमें हेल्प करता है। और साथ ही साथ लेनेजोलिड इसे भी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर विशेष रूप से कार्य करता है। और जो डायबिटिक फूड इन्फेक्शन है उसमें देखा गया है कि जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि स्टेफाइलोकोकस ही जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और चौथा नंबर पर देखें तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन दे सकते हैं अगर इन्फ्लेमेशन है, इसका कई ब्रांड नेम है मार्केट में, तो जो भी आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करें उसको आप ले सकते हैं अगर इन्फ्लेमेशन और पेन है तो उस जगह पे, और नहीं है तो फिर लेने की जरूरत। इसके अलावा डॉक्टर्स कोट्राइमोक्साजोल जिसका ब्रांड नेम होता है सेप्ट्रान वो जनरली रिकमेंड करते हैं अगर आप सल्फा ड्रग से एलर्जी नहीं है तो। और लास्टली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। किसी प्रकार का और इसमें अगर सजेशन आप देना चाहते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में, अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।